संविधान को बचाना चाहती है और जो जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, इस देश में भाईचारा बनाना चाहते हैं, इस देश में समता, मैत्री और भाईचारे की एक सरकार लाना चाहते हैं, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक का जो शासन है उन्होंने देखा है। लोग कह रहे हैं कि माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहन जी ने उसको सर्व समाज कर दिया। तो ब्राह्मणों का खुद कहना है कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का कत्ल हो रहा है, ब्राह्मणों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जो BSP यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है वो गलत कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए वो किसी भी जाति धर्म के लोगों को बेनिफिट बता सकती हैं कि भाई हमारे साथ आके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा या प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ जनता है वो आज जो मौजूदा सरकार है उससे वो परेशान है, और आज ब्राह्मण समाज ही नहीं प्रदेश का हर समाज बसपा के साथ आना चाहता है, चाहे वो OBC समाज हो, चाहे वो ST समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, सभी समाज आना चाहते हैं। और रही कि क्या किसी धर्म के आधार पर सम्मेलन करना गलत है या सही है, वो कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है कि धर्म के नाम पर हम सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, मगर हम लोगों को जोड़ सकते हैं, अपनी पार्टी में जोड़ सकते हैं। BJP तो धर्म के नाम पर पूरी राजनीति कर रही है, हिंदू धर्म के नाम पर पूरी राजनीति कर रही है, कोई और करता है तो इनको बुरा लगता है। तो जब धर्म के नाम पर ये सारी राजनीति कर सकते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर पूरा षड्यंत्र मचा सकते हैं, राम के मंदिर के नाम पर पूरे देश को इधर से उधर कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर सब कुछ कर सकते हैं, तो और पार्टी करती है तो पेट में दर्द होता है। पर BSP का तो नारा है ना सर्व समाज। नहीं, सर्व समाज होना चाहिए। सर्व समाज में क्या है कि सब लोग आते हैं उसमें, वो किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ से वो विश्वास करता हो, वो सारे लोग सबसे पहले संविधान पर विश्वास करने वाले लोग। इस देश के अंदर संविधान सुप्रीम है, धर्म से भी ऊपर सुप्रीम है संविधान। तो बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाना चाहती है और जो जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, इस देश में भाईचारा बनाना चाहते हैं, इस देश में समता, मैत्री और भाईचारे की एक सरकार लाना चाहते हैं, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से आ रही है और सारे समाज ये चाहते हैं कि एक ऐसी न्यायप्रिय सरकार आए जो बहन कुमारी मायावती की सरकार हो सकती है। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक का जो शासन है उन्होंने देखा है, जब किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो फिर दोबारा रिपीट कराते हैं। 2007 से 2012 तक पूरे प्रदेश में सभी लोगों को न्याय, सभी को लोग सम्मान, सभी को सुरक्षा प्रदान करी है बहुजन समाज पार्टी ने। अब 2022 में भी सभी लोगों का मन है कि वो प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहन जी ने उसको सर्व समाज कर दिया। देखो, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये बुद्ध का नियम रहा है, बुद्ध का वही रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में भी क्या प्रॉब्लम है, बताए ना उन लोगों को, पूछो ना क्या प्रॉब्लम है। सबका हित होना चाहिए, सबका सब सुख होने चाहिए, तो हम तो उसी नीति पर चलते हैं ना, सब लोगों का भला होगा। अगर सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, क्या एक सरकार जो बनती है तो एक जो जाति है, एक धर्म है, उसको तुम अलग कर दोगे क्या, उसको न्याय नहीं दोगे? तो फिर उनमें मनुवादियों में आप में अंतर क्या रहा? तो जो भी सरकार के अंडर में या जो भी प्रदेश के अंडर में लोग रहते हैं, जो प्रदेश में रहते हैं, जो 20 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 20 करोड़ किसी भी सरकार के लिए वो उस प्रदेश के लोग होते हैं, उनके लिए काम करेंगे वो। उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी सबके लिए काम करती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य शूद्र हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, OBC हो, ST हो या माइनॉरिटी हो, सबके लिए काम करेगी, हर इंसान के लिए काम करेगी। अगर सरकार है, ईमानदारी से सरकार अगर है, लोगों के लिए बनी है, तो वो लोगों के लिए काम करेगी। आपको लगता है क्या बहन जी जो समीकरण बना रही हैं उसमें सफल होंगी? बिल्कुल सफल होंगी। वोट देगा BSP? बिल्कुल वोट देना चाहिए ब्राह्मण को, BSP को ही वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपना मान सम्मान करना चाहता है, मान सम्मान अगर सुरक्षित रखना चाहता है, तो BSP में ही उसका मान सम्मान सुरक्षित हो सकता है। अगर वो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है, तो BSP पार्टी में ही सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि BSP पार्टी जो है वो जाति देखकर, धर्म देखकर काम नहीं करती है, वो नागरिक देखकर काम करती है, क्योंकि वो भारत के संविधान पर विश्वास करती है। मगर BJP जो है, अभी मौजूदा जो सरकार है, योगी जी जो उसके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को एनकाउंटर करा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ब्राह्मणों का खुद कहना है कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का कत्ल हो रहा है, ब्राह्मणों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मुस्लिम को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, SC ST को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, OBC को अधिकार नहीं मिल रहे हैं।
जब इस सरकार में किसी को अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ब्राह्मणों की ड्यूटी है कि वो ऐसी सरकार को लेकर आए जो वहाँ संविधान को भी सुरक्षित कर पाए और ब्राह्मणों के अधिकार को भी सुरक्षित कर पाए। और बीजेपी में तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है पोस्ट पे, डिप्टी सीएम भी है, डीजीपी भी ब्राह्मण ही है और कई सचिव ब्राह्मण है। उससे क्या होता है, हर जगह हर जाति के लोग होते हैं, हर पार्टी में हर जाति के लोग होते हैं। तो पर बीजेपी में सुरक्षित क्यों नहीं है ब्राह्मण? ब्राह्मण सुरक्षित इसलिए नहीं है, वहाँ पर की जो बीजेपी है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, वो कुछ चंद जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुँचाना चाहती है, वो सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुँचाना चाहती है जो मोदी जी और जो शाह साहब के या योगी जी के आसपास के लोग हैं। वो धर्म को जो जो ये लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणों से तो योगी जी वैसे भी उनकी दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी है, तो वो उस आधार पर उनको फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं या उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं या उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये पूरा 5 साल जो किया है उन्होंने हर समाज को चुन चुन कर परेशान करने का काम किया है। आज सही मौका है 2022 में ब्राह्मण समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे OBC समाज हो चाहे ST समाज हो, सब लोग मिलकर अगर एक पार्टी को, अगर बीजेपी को इस देश से उखाड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। आप बहुजन समाज पार्टी में हाथी के निशान पर मोहर लगाकर आप इस सरकार को उखाड़ सकते हैं और एक प्रदेश में 20 करोड़ जो लोग रहते हैं वहाँ पर न्याय प्रिय सरकार बना सकते हैं, वहाँ पर न्याय सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब ही बात पर आप कह रहे हैं BSP की सरकार बनेगी, लोग कह रहे हैं BSP तो ख़त्म हो गई है, वो कौन से लोग हैं जो BSP को ख़त्म करना चाहते हैं? BSP को कोई ख़त्म नहीं करना चाहता, BSP को सिर्फ कर सकता है कोई ख़त्म तो BSP के लोग ही ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो BSP को कोई ख़त्म करने वाला। माननीय काशीराम साहब के पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरे जीवन की ताकत, पूरे जीवन का उनकी मेहनत है। माननीय काशीराम साहब ने, करोड़ों लोगों ने माननीय काशीराम साहब से साथ मिलकर ये मेहनत की है और BSP को देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने का काम किया है। तो कौन खत्म करना चाहता है? पार्टियां खत्म नहीं होती, समाज के लोग यहां कह रहे हैं BSP खत्म हो गई, कोई नाम ही नहीं है उसका। अब कौन से बहुजन समाज संगठन ऐसे आप भी जानते जो कह रहे हैं, कौन से समाज के लोग हैं, कौन से हैं वो? अपने स्वार्थ में वो अंधे हो चुके हैं, उनका स्वार्थ समाज जानता है, उनका स्वार्थ कभी पूरा होने वाला नहीं है। जो इंसान अपना स्वार्थ रखता है वो समाज कभी पूरा नहीं करता है, जो समाज के स्वार्थ के लिए काम करता है, जैसे माननीय काशीराम साहब ने करा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करा, बहन जी कर रही हैं, तो वो पूरा देश और वो हमेशा अमर रहता है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ कहीं से पैसे मिल जाएं, कहीं मैं MLA बन जाऊं, कहीं MP बन जाऊं, कहीं मेरा कुछ हो जाए, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर परिवर्तन करना है तो त्याग करना पड़ेगा आपको, पार्टी को सत्ता में लेके आना पड़ेगा। जब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज भी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, घोड़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर कितना कुछ प्रॉब्लम करते हैं लोग बाग। क्या 2007 से लेकर 2012 तक ऐसा हुआ? समाज को परिवर्तन करने में टाइम लगेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा समाज पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, मगर जब सरकार आएगी तो पूर्ण रूप से तैयार भी करी जाएगी, एजुकेशन भी दी जाएगी। आपने देखा होगा 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन जी की सरकार थी, BSP की सरकार थी, तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन होते थे, लाखों करोड़ों लोग बच्चे पढ़े वहाँ पर। आज जीरो बैलेंस पर आप एडमिशन करा सकते हैं? जो बच्चे गरीब हैं वो तो एजुकेशन ही ले सकते हैं, क्योंकि 50,000 60,000 70,000 कोई सी अगर कोर्स की फ़ीस है तो कहाँ से फीस देगा। जब अगर 70,000 भी फीस थी तो वो जीरो बैलेंस पर होता था और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराती थी। सर, BJP के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका 4 दिन पहले एक वर्ल्ड टेलीविजन पर इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा अगर पिछड़ों को कहीं हिस्सेदारी मिलती है तो BSP पार्टी है। 6 महीने पहले ऐसा बयान आना कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू देखो, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। वो भी कहीं ना कहीं माननीय काशीराम साहब की टीम के रहे हैं, अब क्या मजबूरी रही है कि वो वहाँ पर हैं, मगर सबका दिल जो BSP में एक बार काम कर लेता है तो वो BSP को भूल नहीं सकता, क्योंकि BSP जो है परिवर्तन की बात करती है, वहाँ इंसानियत की बात होती है, वहाँ पर परिवार बन जाता है, एक मोमेंट, एक मिशन है। जो BSP में काम करेगा इंसानियत को पैदा कर लेगा अपने अंदर। ऐसे ही कोई कहीं भी चला जाए, चाहे BJP में चला जाए, चाहे वो अपना कांग्रेस में चला जाए, बट वो BSP को नहीं भूल सकता, क्योंकि BSP पार्टी ऐसी है, वहाँ परिवार मिलता है, वहाँ पर लोग मिलते हैं, वहाँ पर सारे लोग बिना लालच के काम करते हैं, लाखों करोड़ों लोग बिना लालच के काम कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी कोई पार्टी इतने जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। है, बहुजनों की पार्टी अगर तीसरे नंबर पर पहुंच रही है और नेशनल लेवल की पार्टी बन रही है तो वहाँ पर लोगों का कुर्बानी है। माननीय काशीराम की वहाँ पर पूरा जो जीवन है वो लग चुका है। आज भी करोड़ों लोग, नौजवान साथी निकल चुके हैं जो पूरे देश के अंदर जा जाकर बहुजन समाज पार्टी का मिशन को बढ़ाने का, बिना स्वार्थ के, जैसे जयप्रकाश बिना स्वार्थ के पार्टी में नहीं है फिर भी वो BSP का प्रचार कर रहे हैं। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए उनको, और उनका साधुवाद करना चाहिए समाज, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो सपा के लिए, बसपा के लिए काम कर रहे हैं।
बसपा के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का होना चाहिए जो पार्टी में नहीं है। पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं भी पार्टी का हिस्सा हूँ क्योंकि मैं वोटर हूँ पार्टी का, मगर मुझे लगता है कि अगर ये सरकार अगर बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा पाएगी, ज़्यादा स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगी, नौकरी ज़्यादा दे पाएगी और जो कानून व्यवस्था उसको सही कर पाएगी। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। और वो महापुरुष जिन महापुरुषों ने देश को आज़ादी कराने में अपना योगदान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान के अंदर ये उन्होंने कोशिश करी कि हर इंसान को न्याय मिले, तो ऐसे संविधान को लागू करने में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कामयाब हो सकती है और कोई कामयाब नहीं।